गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज एल्कीन के इस सेवेंथ वीडियो लेक्चर में हम कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन, बोरोनेशन और कुछ अन्य अभिक्रियाएं पढ़ेंगे। कल वाले वीडियो लेक्चर में आप मार्कोनिफ एंटी मार्कोनिफ डिटेल में पढ़ चुके हैं, उसे अच्छे से आप रिवाइज कर लीजिएगा। तो कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन क्या होता है देखते हैं। कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, एल्कीन के दिबंध पर संक्रमण धातु उत्प्रेरक जैसे कि निकिल, पैलेडियम, प्लैटिनम आदि की उपस्थिति में हाइड्रोजन के योग से एल्केन प्राप्त होती है। और ये जो हाइड्रोजन का योग होता है ये सिन होता है और अभिक्रिया ऊष्मा क्षेपी होती है, अर्थात अभिक्रिया में 30 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊष्मा बाहर निकलती है। जो संक्रमण धातु है वो अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा के मान को कम कर देती है, इसलिए अभिक्रिया सामान्य ताप पर संभव हो जाती है। While catalytic hydrogenation of alkene is a powerful reaction, it is a bit too powerful. This reaction will reduce all double bond or triple bond to single bond in your molecule. अगर किसी रिएजेंट सबस्ट्रेट के अंदर दो या तीन डबल बॉन्ड हैं तो सबको ये रिड्यूस कर देगा। हाइड्रोजन का योग कराएंगे आप तो सारे ही रिड्यूस हो जाएंगे। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हेन यूजिंग दिस मेथड इन योर सिंथेसिस। अगर हम ये चाहते हैं कि तीन डबल बॉन्ड में से एक ही डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो, एक पर ही हाइड्रोजन का योग हो, तो उस स्थिति में हमें एक मोल हाइड्रोजन का ही लेना होगा, क्योंकि You are going to using hydrogen gas at high pressure. हम क्या लेते हैं, हाइड्रोजन क्या है, गैस है जो कि हाई प्रेशर पे होती है। तो ऐसी स्थिति में हमें अगर हम एक मोल हाइड्रोजन का लेंगे तो ही एक मोल हाइड्रोजन ऐड होगा, अन्यथा सारे ही जितने भी डबल बॉन्ड हैं मॉलिक्यूल के अंदर सभी का रिडक्शन हो जाएगा। और जो ये योग होता है वो सिन होता है, यानी कि एक ही तरफ से, एक ही साइड से होता है डबल बॉन्ड के। सो दिस हाइड्रोजनेशन इज स्पेशली सिस और सिन। अब हम इसका डिटेल में मैकेनिज्म समझते हैं। तीन स्टेप में अभिक्रिया होती है। टू एक्सप्लेन द मैकेनिज्म बिहाइंड हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन, वी आर गोइंग टू यूज द रिएक्शन ऑफ इथीन विद हाइड्रोजन इन प्रेजेंस ऑफ निकल कैटलिस्ट एट 150 डिग्री सेंटीग्रेड। सबसे पहले होता है इथीन, जो मॉलिक्यूल है वो आता है कैटलिस्ट के पास। आप नीचे चित्र में दिखाया हुआ है ब्लू कलर के अंदर, इथीन मॉलिक्यूल एब्जॉर्बिंग ऑन टू द निकल सरफेस इन द फर्स्ट इंस्टेंस, इट वुड बी फेयर टू रिकॉल दैट एड्सॉर्प्शन। तो क्या हो जाता है एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन इज द एडेशन और स्टिकिंग टुगेदर ऑफ मॉलिक्यूल ऑन टू द सरफेस ऑफ सॉलिड और लिक्विड। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है, जो इथीन मॉलिक्यूल है वो धातु की सतह पर अधिशोषित हो जाता है। सरफेस पे अधिशोषित हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता, अधिशोषित, एड्सॉर्प्शन जिसे हम कहते हैं, कि सरफेस पर चिपक जाता है। वंस एन इथीन मॉलिक्यूल इज एड्सॉर्ब, देयर इज अ बॉन्ड ब्रेकिंग एंड बॉन्ड फॉर्मेशन। जब मॉलिक्यूल उसकी सतह पर एड्सॉर्ब हो जाता है, अधिशोषित हो जाता है, तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं डॉट डॉट से आपको इथीन मॉलिक्यूल निकल कैटलिस्ट के साथ जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। द पाई बॉन्ड ऑफ डबल बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और न्यू बॉन्ड कार्बन और जो कैटलिस्ट है उसकी सतह के बीच में बन रहा है। आप चित्र में आराम से देख रहे हैं कि एल्कीन का पाई बॉन्ड टूटकर जो दो सिग्मा बॉन्ड है वो पार्शली निकल्स के सरफेस पर जुड़ गए हैं। सेकेंड स्टेप होता है, हाइड्रोजन जो मॉलिक्यूल है अब वो भी निकल की सरफेस पर अधिशोषित हो जाता है। धातु की सतह पर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन युग्म बनाते हैं। हम जानते हैं कि धातु हाफ फिल्ड होते, हाफ फिल्ड भरे डी कक्षक होते हैं, तो धातु की सतह पर स्थित ये जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं ये हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन के साथ इलेक्ट्रॉन पेयरिंग करते हैं और इस कारण हाइड्रोजन भी धातु की सरफेस पर एड्सॉर्ब या अधिशोषित हो जाती है। तो इस तरह से धातु अधिशोषित हो गई,
और हाइड्रोजन अधिशोषित हो गई। मेटल कैटलिस्ट सरफेस, इस चित्र में आप देखिए हाइड्रोजन एटम अटैच टू द मेटल कैटलिस्ट। आपको ऑरेंज और ब्लू कलर से हाइड्रोजन का सरफेस पर एड्सॉर्प्शन दिखाया गया है और एल्कीन का एड्सॉर्प्शन भी दिखाया गया है। अब जो है थर्ड स्टेप में क्या होता है, जो हाइड्रोजन एटम है वो जो हाइड्रोजन अधिशोषित हुई है मेटल की सरफेस पर, तो उसका एटम ट्रांसफर होता है किस पर, एल्कीन के ऊपर। हाइड्रोजन का धातु से एल्कीन पर स्थानांतरण होता है, तो स्थानांतरण हो जाती है एक हाइड्रोजन, फिर दूसरी हाइड्रोजन हो जाती है, आपको एरो से दिखाया गया है ऑरेंज कलर से जो हाइड्रोजन है और ब्लू कलर से जो हाइड्रोजन है वो किस प्रकार से एल्कीन के पर ट्रांसफर हो गई है। टू हाइड्रोजन एटम हैव एडेड टू सेम फेस ऑफ डबल बॉन्ड, और एक ही तरफ से डबल बॉन्ड के एक ही तरफ से ऐड हो रहे हैं। आप नीचे चित्र में देखिए, एक हाइड्रोजन सेकेंड हाइड्रोजन पहले ट्रांसफर हो गया, पहले फर्स्ट ट्रांसफर हो गया फिर दूसरा ट्रांसफर हो गया। तो पहले ब्लू वाला आपको दिखाया हुआ है ट्रांसफर होते हुए, फिर ऑरेंज वाला दिखाया हुआ है, और फोर्थ स्टेप के अंदर फाइनली दोनों हाइड्रोजन एक ही साइड से ट्रांसफर होकर संगत एल्केन बना देते हैं। तो इस प्रकार दोनों हाइड्रोजन परमाणु एल्कीन के एक ही ओर से जुड़ते हैं और इसलिए ये एडिशन हमेशा सिस या सिन कहलाता है। तो चार स्टेप में अभिक्रिया हो जाती है, एल्कीन का मेटल की सरफेस पर अधिशोषित होना, हाइड्रोजन का अधिशोषित होना और फिर हाइड्रोजन का ट्रांसफर होना एल्कीन पर। पहले एक हाइड्रोजन ट्रांसफर होता है फिर दूसरा हो जाता है और उसके बाद आपको संगत एल्केन एज ए प्रोडक्ट प्राप्त हो जाता है। तो ये था कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। अब है एडिशन ऑफ हाइपोक्लोरस एसिड। अभी जब मैंने आपको मार्कोनिफ रूल पढ़ाया था तो उसमें बहुत सिंपल सा आपको समझाया गया था कि आपको सिर्फ ऋण और धन भाग अभिकर्मक के पहचानने हैं। तो जो ऋण भाग है वो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के उस कार्बन पर योग होगा उसका जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होगी। तो हाइपोक्लोरस एसिड होता है HOCl, जो कि पानी और क्लोरीन के क्रिया के द्वारा बनता है HOCl। तो यहाँ पर जो OH होता है वो ऋण होता है, उस पर ऋण आवेश होता है और क्लोराइड पर होता है धन आवेश। तो मार्कोनिफ नियम के अनुसार आप इसका योग कर दीजिए, ऋण भाग किस पर जाएगा, एल्कीन है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, तो CH यानी कि एक प्रोटोन है, तो एक प्रोटोन है, इस पर OH जोड़ेंगे आप और दूसरे वाले पर Cl। इसकी क्रियाविधि आप देखिए, पहले क्लोरीन अणु इस प्रकार से आता है, इलेक्ट्रोफिलिक योग हो जाता है और इस तरह से ये क्लोरोनियम आयन बन जाता है, सेकेंड स्टेप में आप देख रहे हैं। फिर जल से ट्रांस एडिशन होता है, जल के अणु का एडिशन होता है और इस प्रकार से बाद में जल का अणु निकल कर फाइनली प्रोडक्ट आपको मिल जाता है CH3CHOH CH2Cl। सिंपल से अगर आप इसको समझें तो आप बिना क्रियाविधि के आप इसको सिंपल से जोड़ेंगे, OH नेगेटिव है तो वो CH पे जुड़ेगा, Cl पॉजिटिव है तो वो CH2 पे जुड़ेगा। मार्कोनिफ के अकॉर्डिंग योग कर दीजिए और प्रोडक्ट को लिख दीजिए, दैट्स ऑल। अब है हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। ये भी सब योगात्मक अभिक्रियाएं हैं, हाइड्रोबोरेशन और ये सब। तो जो हाइड्रोबोरेशन है वो दो पदों में होता है, एडिशन प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन रिएक्शन ऑफ एल्कीन विद मर्करिक एसिटेट एंड बोरोन हाइड्राइड आर नॉर्मली नॉट आइसोलेटेड बट इंस्टेंट आर कन्वर्टेड टू एल्कोहल बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यानी कि जो पहले योग होता है एल्कीन के ऊपर, चाहे बोरोन हाइड्राइड का हो चाहे मर्करिक एसिटेट का हो, तो जो योग वाला उत्पाद है वो आपको आइसोलेट नहीं होता, फाइनल जो प्रोडक्ट होता है वो प्रतिस्थापन अभिक्रिया के द्वारा हमें एल्कोहल प्राप्त होता है। आपको एडिशन और सब्स्टिट्यूशन दोनों जो उत्पाद हैं वो एक ब्लू लाइन से सेपरेट करते हुए दिखाए गए हैं। जो लेफ्ट में है वो योग वाला उत्पाद है, इस पर योग हुआ है, पर ये उत्पाद हम आइसोलेट नहीं कर पाते और फाइनल उत्पाद क्या होता है, प्रतिस्थापित यानी कि एल्कोहल, जो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो
एल्कीन का जो योग हो रहा है, चाहे मर्क्यूरिक एसिटेट का हो चाहे बोरोन हाइड्राइड का हो, बट फाइनल प्रोडक्ट जो है वो एल्कोहल मिलता है। तो आप देख रहे हैं एल्कीन है, डाई सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन है। अभी जैसे मैंने आपको बताया था कि कैसे योग होता है, मार्कोनिफ के अकॉर्डिंगली आपको योग करना है। तो H2O पानी, ऑक्सी एल्कीन की अभिक्रिया मर्क्यूरिक एसिटेट से जल और टेट्राहाइड्रोफ्यूरिन की उपस्थिति में करवाते हैं। तो ये मर्क्यूरल योगिक, योगात्मक योगिक बन जाता है। OAC जो कि नेगेटिव है, नेगेटिव पार्ट क्या है, एसिटेट आयन। तो एसिटेट आयन कहाँ जुड़ जाएगा, जिस कार्बन पर हाइड्रोजन की परमाणु की संख्या कम होगी। तो इस पर दो मैथिल समूह लगे हैं, एक भी हाइड्रोजन नहीं है, तो इसलिए ऋण भाग यहाँ जुड़ जाएगा और जो धन भाग है वो CH2 पर जुड़ेगा, HGOAC। तो ये हो गया योग। इसी प्रकार से जब बोरोन हाइड्राइड का योग हम करेंगे तो बोरोन हाइड्राइड के अंदर H नेगेटिव होता है और बोरोन पर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो ऋण भाग जो है वो डाई सब्स्टिट्यूटेड कार्बन पर जुड़ जाएगा और धन भाग CH2 पर। तो इस प्रकार से मार्कोनिफ के अकॉर्डिंगली दोनों अभिकर्मक का योग एल्कीन पर हो जाएगा। उसके बाद जो उत्पाद मिलता है उसकी आप उसको हम इस मर्क्यूरल यौगिक का हम सोडियम बोरोन हाइड्राइड से अपचयन करते हैं तो हमें अल्कोहल फाइनल प्रोडक्ट प्राप्त होता है। तो इसे हम कहते हैं ऑक्सीमर्क्यूरेशन। फर्स्ट स्टेप कहलाता है ऑक्सीमर्क्यूरेशन और सेकंड स्टेप कहलाता है डीमर्क्यूरेशन, यानी कि मर्करी का निकल जाना। तो फाइनली उत्पाद आप हमको मिलता है अल्कोहल, और योग मार्कोनिफ के अकॉर्डिंगली ही होता है। इसके विपरीत नीचे आप देखिए कि जब बोरोन हाइड्राइड का योग हो गया तो उसको जब हमने ऑक्सीडाइज किया H2O2 NaOH के साथ, तो बोरोन निकल जाएगा और वहां पर किससे प्रतिस्थापित हो जाएगा, OH से। तो इसलिए अभिक्रिया कहलाती है हाइड्रोबोरेशन। ये योग भी मार्कोनिफ के अकॉर्डिंगली ही होता है, यहाँ H नेगेटिव है। तो इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो अभिकर्मक जिसका योग एल्कीन पर हो रहा है वो आपको पहचानना है कि उसका धन भाग कौन सा है और ऋण भाग कौन सा है। आगे इसको और इसका मैकेनिज्म समझते हैं। तो ये देखिए इस तरह से एल्कीन आपको दिखाई हुई है। एल्कीन का पाई बॉन्ड जो है वो इलेक्ट्रॉन देता है और इस तरह से आपको एक स्क्वायर में दिख रहा है, पार्शियल बॉन्डिंग दिख रही है। और इस तरह से हाइड्रोजन हाइड्राइड और BH2 दोनों जो हैं उससे जुड़े हुए हैं, तो संक्रमण अवस्था बन जाती है। ये इलेक्ट्रॉन्स ने ही योगात्मक अभिक्रिया हाइड्रोबोरेशन, इसमें कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन का इलेक्ट्रॉन न्यून बोरोन पर आक्रमण होता है। बोरोन पर इलेक्ट्रॉन की कमी रहती है तो वो उस पर आक्रमण करता है। तो पहले जो है हाइड्रोबोरेशन के अंदर THF और जो बोरेन है उन दोनों इस तरह से कॉम्प्लेक्स बना लेते हैं, BH3 और THF। बोरेन जो है वो स्टेबल होता है ईथर में या THF में, क्योंकि ये स्टेबलाइज हो जाता है बाय बॉन्डिंग विद लुइस बेस। तो THF एज ए बेस काम करता है और इस तरह से इसका स्टेबलाइजेशन हो जाता है। तो अब आप नीचे देखिए चित्र के अंदर एल्कीन आपको दिखाई हुई है, दो उसके पी ऑर्बिटल हैं यानी कि पाई इलेक्ट्रॉन है और नीचे बोरोन है जिसके पास इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, खाली पी कक्षक दिखाया हुआ है, बोरोन के पास एक खाली पी कक्षक दिखाया हुआ है। तो अब जो एल्कीन है उसके पाई इलेक्ट्रॉन बोरोन को इलेक्ट्रॉन न्यून बोरोन पर आक्रमण करके एक चतुष केंद्रीय संक्रमण अवस्था बनाते हैं। ब्रैकेट में देखिए आप, फोर सेंटर संक्रमण अवस्था दिखाई हुई है, एक तरफ BH2 एक तरफ H, फिर फाइनली H जुड़ जाता है और H और BH2 के बीच में बॉन्ड टूट जाता है और फाइनली बॉन्ड बन जाता है। तो एक योगात्मक अभिक्रिया होती है एक हाइड्रोजन और BH3 की वजह से, क्योंकि बोरोन पर तीन हाइड्रोजन है। तो इस तरह से करके एक एक करके एक हाइड्रोजन जुड़ता है,
फिर बी एच टू से फिर एक एच और बी एच हो जाता है, फिर बी और एच हो जाता है। इस प्रकार से तीन हाइड्रोजन का योग हो जाता है, यानी कि तीन एल्कीन मॉलिक्यूल हमें चाहिए होते हैं। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन और बोरोन दोनों एक ही तरफ से जुड़ते हैं, ये भी सिस एडिशन होता है। तो इस प्रकार से बोरोन BH3 का एल्कीन पर योग होता है, क्योंकि बोरोन पर तीन हाइड्रोजन है, तीन हाइड्राइड आयन है, तो इसलिए तीन एल्कीन तीन बार योग होता है, यानी कि तीन एल्कीन के मॉलिक्यूल पर योग होकर ट्राई एल्किल बोरेन प्राप्त होता है। इस ट्राई एल्किल बोरेन को जब हम क्षारीय हाइड्रोजन परऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हैं तो प्राप्त होता है एल्कोहल। और आप देख रहे हैं ऊपर चित्र में CH3 CH2 CH2OH H3BO3 और बोरिक एसिड। और अगर इस ट्राई एल्किल बोरेन की अभिक्रिया हम का हाइड्रोलिसिस हम अम्लीय माध्यम में करेंगे तो फाइनल उत्पाद मिलेगा एल्केन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब करेंगे हम एडिशन ऑफ वाटर, वही मार्कोनिफ के अकॉर्डिंगली आपको योग कर देना है। ऋण भाग, चूंकि ये जो इक्वेशन में मैंने लिखी हुई है सिमेट्रिकल एल्कीन लिखी हुई है, सिमेट्रिकल एल्कीन में हम ऋण और धन भाग कहीं भी जोड़ सकते हैं, किंतु अनसिमेट्रिकल एल्कीन होने पर मार्कोनिफ के नियम के अकॉर्डिंगली आपको योग करके उत्पाद बनाना है। H2SO4 का योग हो जाएगा। H2SO4 का स्ट्रक्चर होता है H पॉजिटिव रहता है और OSO2OH रहता है इसमें नेगेटिव, तो H को जोड़ेंगे। देखिए ब्लू कलर से H जोड़ा है। फर्स्ट अभिक्रिया देखिए आप, फर्स्ट लिखा हुआ है मैंने इक्वेशन में, H2SO4 का स्ट्रक्चर है। सेकेंड स्टेप में H जुड़ गया सल्फ्यूरिक एसिड से और OSO2OH दूसरे कार्बन पर, ऋण और धन भाग का योग हो गया सेकेंड वाले में। फिर इसको जब हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे, गर्म करेंगे, तो इस प्रकार से H2SO4 बाहर निकल जाएगा और H और OH का योग हो गया। ब्लू कलर से आपको H और पिंक कलर से OH का एडिशन आपको एल्कीन पर दिखाया गया है। तो इस प्रकार से किसी भी अभिकर्मक का मार्कोनिफ के अकॉर्डिंगली आप योग करके उत्पाद बना सकते हैं। यहाँ आपको बिल्कुल रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ मार्कोनिफ रूल को फॉलो करना है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।